नाउन ऑफ चैप्टर सिक्स। आज हम लोग चैप्टर सिक्स के नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन एंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन एंड मोर ऑन। आज हम लोग पूरा नाउन के टाइप्स का डेफिनेशन वगैरह वगैरह हर चीजें डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। आज हम लोग को ये जानना है कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास वन वी हैव बीन रीडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। क्लास वन से हम लोग नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, नाउन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं एंड वी हैव टू अगेन डिस्कस इन क्लास सिक्स अबाउट द नाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नाउन। हम नाउन का डेफिनेशन जानते हैं तो हम बोलते हैं अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग, प्लेस, पर्सन, क्वालिटी और एन आइडिया। नाउन क्या होता है? किसी थिंग का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, किसी पर्सन का नाम होता है, किसी क्वालिटी का नाम होता है, किसी आइडिया का नाम होता है। लेट्स सी हियर द डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस, आइडियाज और इमोशन। ये सब क्या होते हैं? नाम होते हैं हमारे। गॉट इट? तो डेफिनेशन आई होप कोई आपको डिफिकल्टीज नहीं होगा। लेट्स सी एग्जांपल वन बाय वन। हम एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन। चलिए किसी थिंग की बात करें। अभी जब जहां यहां प्रेजेंट है, यू नो बोर्ड एक थिंग ही तो है। दिस बोर्ड इज अ थिंग। तो चलिए लेते हैं पहला एग्जांपल, हम थिंग की बात करें क्या हुआ? बोर्ड, चॉक जिसको हम यूज कर रहे हैं, ये एक थिंग है। तो क्या हो जाएगा? चॉक। एंड मोर यू कैन फाइंड एग्जांपल, हम बहुत सारे एग्जांपल फाइंड कर सकते हैं। नाउ कैन से अबाउट द पर्सन। चलिए पर्सन की बात करते हैं। एक टीचर पर्सन तो है, स्टूडेंट्स आप लोग पर्सन तो है, फादर, मदर, हर एक चीज जो लाइफ है, जो ह्यूमन है, पर्सन ही तो है वो। एग्जाम्पल की बात करें पर्सन के बारे में, कैसे बॉय, गर्ल, राम, गीता, इट इज मोर ऑफ जितना एग्जाम्पल लेना है ले सकते हैं। अगर हम बात करें प्लेस के बारे में, अभी जिस प्लेस का हुआ स्कूल, अगर और बात करें हम भवना एक प्लेस है, पटना एक प्लेस है, स्कूल अभी हमारा कहाँ है? अगर हम बात करते हैं जिस प्लेस में स्कूल की बात करते हैं हम, ये स्कूल है कहाँ हमारा? जदुपुर में। ये भी तो प्लेस ही है हमारा ना। सो वी टॉक अबाउट द प्लेस। अगर हम प्लेस के बारे में बात करें, जैसे एग्जाम्पल भवना, पटना, इट इज जितना हम एग्जाम्पल लेंगे मोर ऑन। हम बात करें आइडियाज के बारे में, इमोशंस के बारे में, जो भी आपको एग्जाम्पल लेना है, कंटेक्ट एग्जाम्पल। नाउन होता क्या? इस वर्ल्ड में जो भी चीज प्रेजेंट है, व्हाट एवर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड एज नाउन। इस पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रेजेंट है, जिसका कुछ ना कुछ नाम है, कुछ ना कुछ अस्तित्व है, दैट विल बी कॉल्ड एज नाउन। कुछ भी अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं इमोशन के बारे में, लव, हेट, कुछ भी ले लीजिए, ये सब क्या है? नाउन है। तो आई होप यू हैव गॉट द डेफिनेशन ऑफ नाउन वेरी वेल। आप नाउन का डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं नाउन के टाइप्स के बारे में। तो नाउन को अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, हर एक प्रकार से बांटा जाता है। चलिए देखते हैं, पहले हम देखेंगे नाउन के फाइव टाइप्स जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, जो हम बचपन से नाउन के फाइव टाइप्स पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम उसका डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी अबाउट द फाइव टाइप्स ऑफ द नाउन। कौन सा है? कलेक्टिव नाउन।
तो व्हाट यू सी हियर, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नाउन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, फाइव पार्ट में। फर्स्ट जो है प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड मटेरियल, फोर्थ अब्स्ट्रैक्ट एंड फाइव कलेक्टिव नाउन। सो लेट्स सी वन बाय वन अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम लोग एक एक करके नाउन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप्स के बारे में। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो क्या है, प्रॉपर नाउन। तो अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन के बारे में, तो प्रॉपर नाउन होते हैं जो वो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम होते हैं। क्या होते हैं प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स के नाम होते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, चलिए हम बात करते हैं पर्टिकुलर पहले पर्सन के बारे में। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो गया, राम, श्याम, कुछ भी ले लें, गीता, संगीता, वाट एवर एनी नेम दैट इज यूनिक, जो वहां पर उतने में केवल एक है, उसी को हम बात करेंगे, वो हमारा पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगा। पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते, चलिए पटना हो गया, दिल्ली हो गया, क्या हो गया हमारे पर्टिकुलर प्लेस हो गया। थिंग्स की बात कर लें, कोई पर्टिकुलर थिंग्स किसी एक के बारे में बात करें, तो ये समझ क्या है, एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसके बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में, वो क्या, इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये क्या होता है, हर वक्त हमेशा ये किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। जैसे हम बात करें राम, कैपिटल लेटर, पटना कैपिटल लेटर, तो ये था हमारा क्या चीज, प्रॉपर नाउन। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, जो हमारा कौन है, कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द सेकंड टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम नाउन के सेकंड टाइप्स को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन। वो क्या है, कॉमन नाउन है। तो इफ यू टॉक अबाउट द कॉमन नाउन, दिस ऑफ कॉमन नाउन इज द जनरल नेम फॉर और कैन से ऑफ द सेम काइंड, जो एक ही जाति का होता है उसमें क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। जैसे इफ यू टॉक अबाउट काऊ, काऊ कहने का मतलब इस वर्ल्ड में जितनी भी काउज है ना, सब उसके अंदर आ जाएंगे। ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन होते हैं, मैन, जितने भी मैन होते हैं, फीमेल, जितने फीमेल होते हैं। इट मीन्स इफ वी टेक अबाउट वन नेम एंड इट विल कंबाइन ऑल द नेम्स, हम किसी एक नेम के बारे में बात करेंगे और वो सारे नेम्स को अपने अंदर ले लेंगे, वही क्या होते हैं, कॉमन नेम्स। बुक में अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ, उस बुक में दिया ऑफ सेम काइंड द नाउन दैट रिफर्स टू द सेम काइंड, कुछ द नाउन दैट रिफर्स टू द जनरल नेम्स। तो डेफिनेशन डिफर हो सकते हैं, बट वी हैव टू नो द मीन ऑफ कॉमन नाउन, हमें क्या करना है, कॉमन नाउन का मीन जानना है। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। इट इज द नेम, जनरल नेम फॉर पीपल, एनिमल, थिंग और ऑब्जेक्ट। इट इज द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और व्हाटएवर, मतलब नाउन वाले में ही चले गए ये सब चीजें। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, बॉय, चेयर, सिटी, विलेज, व्हाटएवर कैन से, ये सब किसमें आएंगे हमारे, ये सब आएंगे हमारे कॉमन नाउन में। तो आई होप कॉमन नाउन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। थिंग्स की बारे में बात कर लेंगे, थिंग वाली कोई थिंग्स वाले बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयरन, ये भी तो थिंग हो गया हमारा, चौक, ये भी तो थिंग हो गया। तो ये था हमारा कॉमन नाउन। नाउ वी विल सी अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ नाउन। हम क्या करेंगे, नाउन के थर्ड टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी द थर्ड टाइप्स ऑफ नाउन। चलिए देखते हैं थर्ड टाइप्स के बारे में, थर्ड टाइप्स हमारा क्या है, उस नाउन को हम लोग देखते हैं। जो तीसरा टाइप हमारा है नाउन का, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो लेट्स सी अबाउट द कलेक्टिव नाउन। और हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ नाउन। ये ऐसे टाइप ऑफ नाउन्स का नेम होता है जो किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन के ग्रुप के बारे में रेफर करे, जो पूरे कलेक्शन में हो। वर्ड से नाउन जो है, वैसे नाउन जो कलेक्शन में हो, दैट विल बी कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन।
So if we talk about the definition of collective noun, then we can say that it is the name of things, objects or person that refers to group. जो किसको रेफर करे, ग्रुप को रेफर करे. कैसे? दिस नाउन रेफर्ड टू ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग. वाट एवर कैन से पर्सन प्लेस और थिंग. जैसे एग्जांपल की हम बात करें, कोई एग्जांपल ले लीजिए, पुलिस, फेयर. और भी इतने से एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आर्मी हो गए, ज्यूरी हो गया. इट मीन्स इफेक्ट फेयर के बारे में बात करते हैं. फेयर मीन्स व्हाट? मेला. यू नो फेयर में एक लोग तो होता नहीं है, ऑलमोस्ट क्राउड होता है वहां पर. इवन क्राउड इज ऑल्सो कैसे कलेक्टिव नाउन. क्राउड जो क्या हमारा है, कलेक्टिव नाउन है. पुलिस की बात करें, पुलिस एक ग्रुप होता है. ज्यूरी, यू नो देयर इज न्यू वर्ड कॉल्ड एज ज्यूरी, जो कि पैनल होता है. किसका? जजेस का. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिंगल होता है, प्लूरल होता है. डेट डिपेंड करता है, अगर गवर्नमेंट में कुछ पैनल बैठ गया मंत्रियों का तो प्लूरल हो गया. किसी एक के बारे में बात करें तो सिंगल हो जाएगा. तो ये थे हमारे क्या, कलेक्टिव नाउन. नाउन वी डिस्कस द फोर्थ पार्ट ऑफ द नाउन, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन. तो चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ नाउन. जो हमारा फोर्थ है वो क्या है? मटेरियल नाउन. लेट्स डिस्कस अबाउट द मटेरियल नाउन. अब हम क्या करेंगे, मटेरियल नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो मटेरियल नाउन के बारे में बात किया जाए तो वर्ड दैट रिफर्स टू सब्सटेंसेस. वैसे नाउन या फिर कैसे से ऐसे वर्ड जो रिफर करें सब्सटेंसेस को, दैट रिफर टू सब्सटेंसेस, वो कुछ सब्सटेंसेस को रिफर करें. या फिर दूसरे लैंग्वेज में अगर बात करें तो मटेरियल नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें शुगर, केजी नापते हैं, ऑयल लीटर में, राइस केजी में, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं. जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, हाँ ये चीजें अलग है, कांट बी काउंटेड, ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें वाटर, हम बात करते हैं घी की, हम बात करते हैं ऑयल की, कैसे शुगर, गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, इन सब को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ये सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं. एंड द लास्ट टाइप ऑफ नाउन वी वांट टू डिस्कस यू विद, वी वांट टू डिस्कस विद यू, इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ, वो क्या हमारा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो चलिए देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में. चलिए बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में. तो इफ वी टॉक अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो नाउन का आज का लास्ट टॉपिक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर इसकी बात बात करें हम, तो वैसे नाउन जो क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस, इन सभी को दर्शाए. मीन्स द नाउन दैट शोज आवर क्वालिटीज, इमोशंस, आइडियाज विल बी कॉल्ड एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. इफ वी टॉक अबाउट द जूनियर क्लासेस, जूनियर क्लास में क्या लिखा होता है, द नाउन दैट वी कांट टच और सी बट कैन फील, जिसे हम फील कर सकते हैं, जैसे लव, हेट, चाइल्डहुड, ये सब क्या होते हैं, हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. सो मैंने पहले इसलिए बोल रखा आप लोगों कि जो डेफिनेशन होते हैं वो बुक में अलग अलग होते हैं, बट वी हैव टू ग्रिप ऑन द वर्ड, द मीन ऑफ दैट नाउन. मुझे इनके मीन के बारे में समझना कि मतलब क्या होता है इस नाउन का. तो एग्जाम्पल डिफर करते हैं उससे मैटर नहीं है. चलिए जो हम लिख रहे हैं इसका डेफिनेशन वो देख लेते हैं, किस से क्या है. तो मैंने अभी बताया कि व्हाट दैट रिफर्स टू क्वालिटीज, कंडीशन, आइडियाज, एक्शन, फीलिंग, कुछ भी. मतलब क्वालिटीज के बारे में बात कर लें, आइडियाज के बारे में बात कर लें, इमोशंस के बारे में बात कर लें, या फिर फीलिंग्स के बारे में बात कर लें, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, ये सब क्या हो जाएंगे, पूरी तरह अब्स्ट्रैक्ट ना हो जाएंगे. लेट्स टेक एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल ले लें, ब्यूटी, पॉवर्टी, लव, हेट, फ्रेंडशिप, ये सब क्या है हमारे,
दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट आई हैव टॉट यू. आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया इसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे. हमने आप लोगों को नाउन का डिफिनेशन पढ़ाया, नाउन के टाइप्स पढ़ाए, नाउन के टाइप्स के डिफिनेशन विद देयर एग्जाम्पल पढ़ाए, और अब हम लोग कल देखेंगे कल क्लास में काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन केस जेंडर वगैरह देखेंगे. बट टूडेज योर वर्क इज वॉट यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर ऑल दिस थिंग एंड हैव टू मेक अंडरस्टैंड योर सेल्फ दिस ऑल. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.